अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड। आई एम अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और आज मैं आपके लिए सबैक्स जी टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि एक मल्टी वाइटामिन टैबलेट है। आज मैं आपको बहुत डिटेल के साथ इसकी कंपोजिशन और इंडिकेशंस के बारे में बताऊँगी। सबैक्स जी दो पैकिंग्स में अवेलेबल है, 20 टैबलेट्स की पैकिंग आती है और 30 टैबलेट्स की पैकिंग। जो 30 टैबलेट्स की पैकिंग है वो 175 रुपीज़ में सेल आउट हो रही है और 20 टैबलेट्स जो हैं वो 115 रुपीज़ में सेल हो रही है। ये आपको फार्मेसीज़ पे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। अब मैं बताऊंगी कि इसके यूज़ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और हमें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सबैक्स जी टैबलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, रिलायबल और सेफ़ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन वगैरह पाए जाते हैं। इसकी फॉर्मूलेशन में जिंक है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन ई है, फोलिक एसिड है और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें वाइटामिन B1 और B2 आते हैं। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस से मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसके क्या फंक्शंस हैं। जो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें वाइटामिन B1 और B2 आते हैं, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारी बॉडी के एनर्जी में जो एनर्जी बनाते हैं वो ये हैं, कह लें कि ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वाइटामिन B1 और B2 ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे मेंटल एनर्जी के लिए है, ब्रेन की एनर्जी के लिए है, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए है। जैसे कि न्यूरोबियन कैप्सूल्स आते हैं, उनमें वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, वाइटामिन B1 और B2, ठीक है। ये हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को भी ग्रोथ करवाते हैं। न्यूरोबियन कैप्सूल में वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि सबैक्स जी में भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड भी हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है। फोलिक एसिड हमारे बॉडी में खून की मिकदार को बढ़ाता है। अगर किसी को खून की कमी है तो उसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगा। ये रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ करवाता है। फोलिक एसिड हमारे आयरन की डेफिशिएंसी को कम करवाता है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी को ख़त्म करवाता है। इसकी हमारे पास अलहदा से टैबलेट्स भी आती हैं, जिसमें मतलब फोलिक एसिड की अलहदा से टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, लेकिन ये सबैक्स जी में भी मौजूद है। इसके अलावा वाइटामिन सी है, जो CAC 1000+ की टैबलेट्स में आता है, जो हम पानी में डिज़ोल्व करके पीते हैं। ये हम जो वाइटामिन सी है, ये हमारी बोन्स की मेंटेनेंस के लिए, हमारे टूथ की मेंटेनेंस के लिए और हमारी कार्टिलेज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये वाउंड हीलिंग में आता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज़, हमारी ऑल बॉडी टिश्यूज़ की डेवलपमेंट इसके अंडर है। वाइटामिन सी जो है, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइटामिन ई की, जो इसका इसकी फॉर्मूलेशन में है, तो वाइटामिन ई जो है ये इवियन के कैप्सूल्स में आता है, जो और ये हमारी, इसके भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। अगर इनमें से किसी भी वाइटामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा होती हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए सबैक्स जी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इफ़ेक्टिव टैबलेट है। वाइटामिन ई की बात करें तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। ये हमारे स्किन के सेल्स की मेंटेनेंस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। ये इवियन कैप्सूल की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन सबैक्स जी में भी ये मौजूद है, मतलब सबैक्स जी में ये सब फॉर्मूलेशंस अवेलेबल हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ जिंक। जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड भी हम इसे कहते हैं, ये जिंक है और जिंक में ये सब कुछ आपको एक ही फॉर्मूलेशन में हासिल हो रहा है। जिंक जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब 5 टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन आपको एक ही टैबलेट में मिल रहा है। सबैक्स जी जो है ये 5 टैबलेट का कॉम्बिनेशन है, मतलब वाइटामिन सी आ जाता है, वाइटामिन ई आपको मिल रहा है, वाइटामिन B1, B2 मतलब वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल रहे हैं, जिंक मिल रहा है और फोलिक एसिड आपको एक ही टैबलेट के अंदर मिल रहा है। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स नहीं खानी पड़ेंगी। इसलिए सबैक्स जी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी टैबलेट है आपके लिए।
अगर आप सर्बैक्स जी की एक गोली खा लेंगे तो वो 5 गोलियों का काम करेगी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एबर्ट कंपनी का ब्रांड है, ठीक है। वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन B1, B2, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं, पट्ठों में दर्द हो रही है, या इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है वाइटामिन की डिफिशेंसी की वजह से, तो उन पेशेंट्स में सर्बैक्स जी इज़ द बेस्ट मेडिसिन। एजिड पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सर्बैक्स जी बहुत अच्छी है, क्योंकि एजिड लोग जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, वाइटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, तो एजिड पेशेंट्स में सर्बैक्स जी बेस्ट मेडिसिन है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो रोज़ की एक टैबलेट, अगर डेली आप एक टैबलेट इसकी खा लें तो ये ठीक है। एक गोली रोज़ाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद आप इसको दोपहर में खा सकते हैं। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप दोपहर के वक्त इसको खाएं, क्योंकि दोपहर के वक्त हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम दोपहर में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, और इससे पता चलेगा कि ये ड्रग या ये टैबलेट आपकी बॉडी में कितना काम कर रही है। इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप दोपहर के वक्त इसको लें, खाने के बाद ले लें या खाने के पहले ले लें, या आप खाने के दरमियान भी इसे खा सकते हैं। दैट्स वाई आई प्रेफर दिस टैबलेट टू टेक एट नून। ये मल्टी वाइटामिन टैबलेट है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स खाने से अच्छा है, जिस तरह CAC 1000+, ईवियन कैप्सूल्स, न्यूरोबियन कैप्सूल्स, ये सब अलग अलग कैप्सूल्स खाने से अच्छा है एक ही मल्टी वाइटामिन टैबलेट खाएँ, सर्बैक्स जी, जो इन सब वाइटामिन को कवर कर रही है, स्किन में है, बॉडी की ग्रोथ में है, बोन्स की ग्रोथ में है, ये सब वाइटामिन आपको एक ही टैबलेट के अंदर मिल रहे हैं। ये इस टैबलेट का जो कह लें कि प्लस पॉइंट है, ये टैबलेट बहुत अच्छी है बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी हेयर के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्किन को भी कवर कर रही है। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को लाइक करें, और अगर किसी भी किस्म के आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।